इलेक्ट्रिक स्कूटर शांत होने के साथ साथ पेट्रोल का खर्च बचाते हैं और स्वच्छ वातावरण में भी योगदान देते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई फायदों में से एक यह है कि OTA अपडेट के जरिए परफॉर्मेंस और पूरे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सकता है। समय समय पर नई फीचर्स को पेश किया जा सकता है। इसके लिए सर्विस सेंटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यह काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी एथर ने एक लेटेस्ट अपडेट में एक नया स्मार्ट इको राइड मोड पेश किया है, जिसे डायनेमिकली रेंज और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्मार्ट इको राइड मोड के लिए एथर 450X और एथर 450+ यूजर्स को एथिस टैग सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। इस अपडेट को पाने का हकदार बनने के लिए एथर ऐप में यूजर्स को एथर लैब्स ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। एथर लैब्स नए फीचर्स तक जल्द एक्सेस प्रदान करता है और यूजर्स से रिस्पॉन्स मांगता है। इससे पहले भी एथर लैब्स के जरिए ट्रिप प्लानर और सेविंग्स ट्रैकर जैसे कई नए फीचर्स प्रदान किए गए थे। लेटेस्ट स्मार्ट इको राइड मोड उन यूजर्स को मिलेगा जो कि एथर कनेक्ट प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान इस्तेमाल करते हैं। अगर यह सब हो जाता है तो यूजर्स को स्कूटर के टच स्क्रीन डिस्प्ले पैनल पर सेटिंग्स के जरिए अपडेट नाउ ऑप्शन का चयन करना होगा। अपडेट करने के लिए बैटरी कम से कम 40% चार्ज होनी चाहिए। अपडेट में करीब 5 मिनट का समय लगता है। फिर उसके बाद यूजर सेटिंग्स के जरिए स्मार्ट इको मोड चुन सकते हैं। चुनने के बाद मौजूदा इको मोड स्क्रीन पर स्मार्ट इको से रिप्लेस हो जाता है। यूजर्स जब चाहे स्टैंडर्ड इको मोड को वापस पा सकते हैं। एथर स्मार्ट इको राइड मोड के फायदे। स्मार्ट इको राइड मोड इको और हाई स्पीड राइड मोड के बीच में एक रास्ता निकालने के लिए आया है। सामान्य सिस्टम में इको मोड लिमिट को अधिकतम करता है, हालांकि यह यूजर्स के लिए उपलब्ध ऑप्शन को सीमित करता है, जैसे कि अगर यूजर्स को ओवरटेक करने की जरूरत है तो उन्हें एक अलग मोड में स्विच करना पड़ेगा। स्मार्ट इको अलग प्रकार से काम करता है, क्योंकि यह एक तय समय में सही जरूरतों को समझ सकता है। यह यूजर्स के राइडिंग स्टाइल, स्कूटर पर कुल वजन और क्षेत्र आदि जैसे बातों पर निर्भर करता है। इन बातों के आधार पर स्मार्ट इको एक्सेलरेशन के लिए डायनामिक एडजस्ट करता है। यह पावर की खपत को भी ट्रैक करता है, जिससे स्कूटर अपनी असली रेंज पर चल पाए। स्मार्ट इको मोड में डैशबोर्ड पर एक पावर बार नजर आता है। जब पावर बार नीला होता है तो यह बताता है कि जरूरी पावर मौजूद है। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सेलरेट कर सकते हैं। जब पावर बार लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि कम पावर मौजूद है। इस समय यूजर्स को एक्सेलरेट या फास्ट नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा करना है तो वे राइड मोड में स्विच कर सकते हैं। यूजर्स को यह भी देखना होगा कि उनकी एथर ऐप लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है या नहीं। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिला नया राइड मोड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुँचते रहेंगे। आने वाले बाइक या कार के विवरण जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।